हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नुपुर शर्मा पर संघ का बड़ा बयान, उदयपुर की हत्या उकसावे में नहीं बल्कि तालिबानी सोच का नतीजा। जयपुर, पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसकी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उदयपुर हत्याकांड को तालिबानी घटना बताया है। आरएसएस ने कहा कि यह घटना उकसावे पर की गई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक खास मानसिकता और मान्यता का परिणाम थी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कहा कि उदयपुर में जो हुआ वो दुनिया भर में बिना किसी उकसावे के हो रहा है। कहीं हमास, इस्लामिक स्टेट, तालिबान है, हमारे देश में सीमी और पीएफआई है, यह उकसावे के कारण नहीं हुआ है। अगर यह कोई मानता है कि यह उकसावे के कारण हुआ है उसे और अधिक पढ़ने की जरूरत है। तालिबान की इस घटना के पीछे की मानसिकता और मान्यता को समझना महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे की मदद करने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति को भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वह दूसरे की मदद करे और जो शांति भंग करते हैं उन्हें रोक सके। ऐसे मुद्दों से निपटने के संवैधानिक तरीके हैं। अगर किसी को समस्या है तो उन्हें संवैधानिक तरीके से उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आम्बेडकर ने ये बातें किताब द तालिबान वॉर एंड रिलीजन इन अफगानिस्तान और द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के विमोचन कार्यक्रम में कही। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने तालिबान को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश को धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर विभाजन का सामना करना पड़ रहा है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह पता लगाना जरूरी है कि क्या उसका भारत से कोई कनेक्शन है, क्या ऐसा कोई आतंकी तत्व भारत में तो नहीं घुस रहा, क्या भारत में जो घटनाएं हो रही हैं वह आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, क्या ऐसे कट्टरवादी विचारधारा को राजनीतिक या स्वार्थ के लिए समर्थन देने वाले एक दूसरे से जुड़े हैं। जो भी कारण है उन्हें पता लगाना चाहिए। सुनील आम्बेडकर ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद आरएसएस के योगदान को पूरी तरह दबा दिया गया। 12 जुलाई 1922 को डॉक्टर हेडगेवार एक साल बाद जेल से रिहा हुए। उनके स्वागत के लिए नागपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया था। उस समय मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालचारी आए और कार्यक्रम में भाषण दिया। उन्हें देश को यह बताना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को वीडी सावरकर, नेताजी सुभाष बोस, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और अंडमान निकोबार में जेल में बंद मणिपुर के राजा के बारे में पता होना चाहिए। तभी लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेजों ने हमें एक देश के रूप में संगठित नहीं किया है। आजादी से पहले भी भारत एक था, इसलिए जरूरी नहीं कि इतिहास जाना जाए। धर्मनिरपेक्षता को संविधान में कैसे जोड़ा गया, नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करना होगा। सुनील आम्बेडकर ने कहा कि नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि विभाजन क्यों हुआ। कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा न हो, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश पर दोबारा हमला न हो या ऐसी शक्तियां जड़े न जमाएं जो अलगाव और आतंकवाद की बात करती है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।